दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां, उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं में काफी उथल पुथल चल रही है। पार्टी के नाराज नेता, कार्यकर्ता और समर्थक अपनी अपनी पार्टियों से नाराज होकर आप पार्टी का कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं। राजनीतिक उथल पुथल के चलते आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बुराड़ी विधानसभा के उत्तराखंड समाज के बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बुराड़ी इलाके में उत्तराखंड समाज के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर करीब 1000 लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। इस समाज के लोगों ने पहले अपनी पंचायतें की, फिर ये समर्थन करने का निर्णय लिया। बुराड़ी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबरों का कहना है कि उत्तराखंड समाज के लोगों को आम आदमी पार्टी में शामिल करने के लिए 2015 से कोशिशें जारी थी, लेकिन ये लोग भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक थे, लेकिन भाजपा की नीतियों से नाराज होकर इन लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। अब आम आदमी पार्टी के लिए बुराड़ी विधानसभा में वोट करेंगे, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिलेगा। साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने में उत्तराखंडी समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। बुराड़ी विधानसभा में उत्तराखंड समाज के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पहाड़ी समाज सदा से ही भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है। उसके बाद निगम चुनाव में भी भाजपा को जिताने में उत्तराखंड समाज के लोगों की अहम भूमिका रही है। लोगों का कहना है कि उत्तराखंड समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कोई बड़ा काम नहीं किया, जिससे नाराज होकर लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। और पूर्व बुराड़ी विधायक संजीव झा ने उत्तराखंड समाज के लोगों के लिए वो काम किए जो पिछली सरकारें करने में नाकाम रही। दूसरी पार्टियां केवल उन्हें अपना वोट बैंक मानकर उनसे अपना काम कराती रही। यहाँ पर हम लोगों के जो यहाँ पर दिल्ली में 2022 के 2012 से हम लोगों का एक आंदोलन चला था कि यहाँ पर बहुत सारे समाज रह रहे हैं, हर एक समाज की यहाँ पर एकेडमी है, यानी सिंधी समाज, हमारे मैथिली एकेडमी है, पंजाबी एकेडमी है, उर्दू एकेडमी है, लेकिन हमारी बोली भाषाओं के लिए ना तो सरकार के पास कोई एकेडमी थी और ना ही कोई हमारे त्यौहार धार्मिक जो रीति रिवाज परंपराओं उसके लिए सरकारी कोई फाइल में कोई योजना थी। तो हमने एक उस समय आंदोलन चलाया कि इस समाज की जो यहाँ 35-40 लाख की संख्या में पूरे दिल्ली में रह रहा है, वहाँ पर उसकी एक एकेडमी बननी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन चलाया। रामलीला मैदान में हम लोगों ने करीब करीब 80,000 के करीब लोग इकट्ठा हुए, पूरी दिल्ली बुराड़ी से भी 70 के करीब बसेस गई थी हमारी। और हम लोगों को ये था कि भाई मनीष सिसोदिया जी से हमने वादा लिया था कि हमारी बोली भाषाओं के लिए एकेडमी बनेगी अब, और हमारे लिए, हमारे पूरे समुदाय के लिए उत्तरायणी का जो त्यौहार होता है 13-14-15 जनवरी को, उसमें सरकार सहायता करे। तो दिल्ली सरकार ने करीब करीब 65 जगह उत्तरायणी को सरकारी सहायता दी, और हमारे लिए जो उत्तराखंडी जो बोली भाषाएं हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाओं की एकेडमी बनाई। तो एक तो ये कि सरकार से जो हमने बात रखी और सरकार ने जो वादा किया, सरकार ने वो वादा पूरा किया। मेरा नाम धर्मेंद्र रावत धामू है। आज हमारा समाज इतनी मात्रा में इकट्ठा होकर इसलिए आया है क्योंकि बुराड़ी में विधायक जी ने जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक है। 1800 करोड़ का उन्होंने काम किया है और वो सभी समाज के लोगों के लिए किया है, और हमारा समाज इनको समर्थन इसलिए देने आया है कि दिल्ली सरकार ने हमारी तीनों भाषाओं की एकेडमी बनाई है। तो इस एक समर्थन इसलिए देने आए हैं। दूसरा, हमारे को उत्तरायणी में सरकार कहीं ना कहीं सहायता देती है, इसके लिए समर्थन देने आए हैं। और हम विधायक जी से संकल्प लेने आए हैं कि हमारे लिए उत्तरायणी का घाट बनाया जाए और हमारे दो समुदाय भवन बुराड़ी के अंदर हमारे लिए बनाए जाएँ। तो इसलिए हमारा पूरा उत्तराखंड समाज उनको समर्थन देने आया है। हमारी सामाजिक स्तर पर सभी लोगों के साथ मीटिंग हुई है, विभिन्न हमारी जितनी भी कीर्तन मंडलियां हैं और संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, उन सबसे बात हुई है। सबसे बात करके ही ये फैसला लिया गया है, और उस फैसले के बाद ही हमारे समाज ने समर्थन किया है, क्योंकि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी हमारे समाज को यहाँ पर एक पहचान दे चुकी है, और उसी का नतीजा है, उसके बदले में हम आज आम आदमी पार्टी की सरकार को दोबारा से समर्थन कर रहे हैं। मैं सन 2000 से एक छोटी सी झोपड़ी बना के F2 ब्लॉक के अंदर रह रहा हूँ, जो कि आज तक किसी BJP ने, किसी कांग्रेस ने हमारे वहाँ झांकने के लिए भी नहीं आए। जब से संदीप झा जी आए हैं, जब उन्होंने विकास किया, जो कि 20 साल बाद भी नहीं होता पानी का, और जो कि गली का जो विकास उन्होंने किया, हम उनके साथ हैं, आम आदमी के साथ हैं। कांग्रेस, पहले हम कांग्रेस में ही थे,
कांग्रेस से अब हम आम आदमी के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है। बकायदा वहाँ पर एप टू ब्लॉक के ऊपर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक भी वहाँ पर हमारी माता बहनों के लिए सुविधा कर रखी है। तो इस वजह से हम आम आदमी से जुड़े हुए हैं और संदीप झा को अब की बार हमने पूरी बहुमत से जिताना। पहले भारतीय जनता पार्टी में था और आज 5 साल से मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, और हमें जो उम्मीद आम आदमी पार्टी ने जताई वो आज तक किसी ने नहीं जताई। भाई हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, 22 साल हमें ये बुराड़ी में रहते हुए और 7 साल हमें बाहर रहते दिल्ली में रेंट पे, आज हम यहाँ पे अपना एक छोटा सा मकान बना के रह रहे हैं, जो हमें 17 साल में कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली वो आज संजीव झा ने हमारी मूलभूत सुविधाएं पूरी कर दी। मेरा नाम राम सिंह राणा है, मैं RW का कोष अध्यक्ष भी हूँ। पहले भी आप किसी पार्टी में रहे हैं, पहले ही बार आम आदमी पार्टी में? पार्टी में तो कांग्रेस की पार्टी में थे, अब जो है काम के जी काम के उससे आम आदमी के उसमें सम्मिलित है। क्या नाराजगी रही कांग्रेस से जो आम आदमी पार्टी का काम था? ऐसा कोई काम हम तो हुए नहीं।